टोंक शहर में कोतवाली थाना के बावड़ी क्षेत्र कसाईयों के मोहल्ले में शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बावड़ी क्षेत्र के इस मोहल्ले में कुछ लोग घूम रहे थे, इसको लेकर पुलिस के गश्ती दल ने बाहर घूमने वाले लोगों को मना किया। इस बात पर कुछ लोगों ने पुलिस के 3 जवानों पर हमला कर दिया। हमले में रामराज, राजेंद्र और भागचंद कांस्टेबल बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अन्य लोगों से फिलहाल तलाश में जुटी है। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है।